हेलो गाइस, मोटोला के कस्टमर के लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मोटोला अपना मोटोला S50 एनी स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर चुका है और अब बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी मोटोला S50 एनी स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको क्या स्पेक देखने को मिलेगा, कौन से प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा और दोस्तों ये स्मार्टफोन कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए इंडियन मार्केट में, अभी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन से। तो इस फोन की डिजाइन दोस्तों निकल के सामने आ चुकी है और अभी हाल ही में लॉन्च हुए मोटोरोला S50 स्मार्टफोन के सिमिलर डिजाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बैक साइड में गाइस आपको ड्रैगन लेदर की बॉडी देखने को मिलती है, साथ ही मोटोरोला का लोगो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको टेबल और कैमरा सेटअप के साथ में फ्रंट लाइट की सपोर्ट दी गई है। और वहीं दोस्तों फ्रंट साइड की तरफ बात करते हैं तो फ्रंट साइड में बड़ी डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर पंच होल कैमरा कटआउट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही बड़े देखने को मिल जाता है। और अगर डिजाइन के बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको 6.4 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो की दोस्तों 120 हर्ट्ज के रिजोल्यूशन के साथ में आती है। इसे के साथ गाइस 3000 निट्स के पिक ब्राइटनेस यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ब्राइटनेस और कलर जिसमें काफी बढ़िया रहेंगे, आउटडोर या फिर दोस्तों इंडोर हो, आप कहीं पे भी दोस्तों आराम से यूज कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो कंटेंट वगैरह देखना ज्यादा शौक है तो गाइस यहाँ पर आपको काफी कमाल का व्यूएशन देखने को मिल जाएगा। और अगर डिस्प्ले के बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको 4 नैनोमीटर पर बना मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर देखने को मिलेगी जिसकी स्कोर 6.5 लाख के करीब निकल के आता है। तो दोस्तों पॉइंट वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और अगर बात करते हैं इसके रैम ब्रैंक की, तो यहाँ पर आपको 8 GB और 12 GB तक रैम ब्रैंक के ऑप्शन देखने को मिलेगी, वहीं पर गाइस 256 GB तक स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगी। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाले कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको रियर साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें से मेन कैमरा रहेगा 15 MP का जो कि वॉइस के सपोर्ट के साथ में आएगा, साथ ही गई 10 MP का टेलीफोटो लेंस एंड 13 MP का अल्ट्रावॉयलेट सेंसर देखने को मिलने वाला है। और वहीं अगर दोस्तों फ्रंट साइड के बारे में बात करते हैं तो 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा जिससे दोस्तों आप बहुत ही कमाल के वीडियो कॉलिंग और सेल्फी आप ले पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके प्राइमरी कैमरा और इसके सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा को लेकर यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होगा। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाली बैटरी के बारे में, तो 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, चार्जिंग करने के लिए 68W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी जाएगी। तो दोस्तों बैटरी और चार्जिंग को लेकर बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ उधर फीचर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में इनडिसेबल सेंसर पोर्ट, NFC का सपोर्ट, बड़ी ऑडियो एक्सपीरियंस का स्टूडियो स्पीकर और IP68 की दोस्तों रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन NFC14 के साथ में आने वाला है, हेलो वे देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग 20,000 से लेकर 25,000 के अराउंड देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इस प्राइस में देखा जाए तो मोटोरोला के तरफ से बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है मोटोरोला S50 एनी स्मार्टफोन। तो बाय द वे दोस्तों आपका क्या कहना है फोन को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपसे का बहुत बहुत शुक्रिया।